अरे वो किसी और का चल रहा है। आज आज शाहरुख खान इज़ वेरी गुड, उसमें तो कोई मतलब बोलने के सवाल ही नहीं होता। तापसी पन्ना इज़ वेरी नाइस एक्टर, उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल, मतलब एक यंग से फिर एजी में जो नेचुरलिटी, इज़ ऑसम मूवी और इस मैसेज भी बहुत अच्छा मैसेज है, इज़ गुड मूवी। जब तक है जान तब तक है शाहरुख खान। मैसेज इसमें यह है जो आप इंडिया में रह के भी, अपनी देश में, अपनी कंट्री में रह के भी अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। इसके लिए इतनी सारी रिस्क लेके बाहर जाके अपने दुनिया बनाने की, अपने फैमिली छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। सबका रिकॉर्ड तोड़ने वाली है हाँ या ना वो तो नहीं है, बट इज़ अ वेरी गुड मूवी, वेरी गुड मैसेज, डेफिनेटली तोड़ सकती है सब। डायरेक्टर इज़ अमेजिंग। देखिए पिक्चर में बहुत मजा आया, सुबह का जो एक्साइटमेंट था 5:30-6 का, वो नया एक्सपीरियंस था। फटाका फूटाने, केक कटाने, पब्लिक पब्लिक पब्लिक, इतना अर्ली इन द मॉर्निंग, वो भी गुरुवार को, तो पिक्चर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। तापसी पन्नू का रोल बहुत अच्छा है, शाहरुख खान का रोल अच्छा है, बचपन उसका, जवानी का और बुढ़ापा का, दोनों ने उसने सुपर एक्टिंग की है। डायरेक्शन बहुत अच्छा है, स्टोरी बहुत अच्छी है, सेंटीमेंट्स बहुत डाले हैं, कभी कभी मतलब मन दुखी हो जाता है, और शिक्षा बहुत अच्छी दी है कि इमिग्रेशन के कायदे छोड़ के हम लोग बाहर जाते हैं पैसा कमाने के लालच में, वहाँ जाके हमारी क्या हालत होती है वो इसमें दिखाया है। तो शिक्षा भी एक और देशभक्ति भी है कि देशभक्ति जो जिस जन्म, तुम जहाँ जन्म लिया वहीं मरो तो अच्छा है, दूसरी जगह कुत्ते की मौत मरने की जरूरत नहीं है। शिक्षा बहुत अच्छी दी, डंकी है, अच्छी मूवी है। जैसे कि फर्स्ट हाफ में आपको थोड़ा ऐसा लगता है बहुत लेंदी मूवी है, थोड़ा पब्लिक बोर हो सकती है, लेकिन फर्स्ट हाफ में सिर्फ एक काम जिसका अच्छा है वो है विकी कौशल, इनका उनका कैमियो अपीयरेंस है, जो शाहरुख खान और उनके साथ जिनकी पेयरिंग हुई है और जो केमिस्ट्री है बिटवीन शाहरुख खान एंड विकी कौशल, दैट्स अमेजिंग। उनका बहुत इमोशनल शॉट है जब वो थोड़ी देर के लिए आते हैं, 15-20 मिनट्स के लिए आते, लेकिन उनका बेस्ट रोल है अब तक का, मतलब मैं तो बोलूँगा इमोशनल सीन्स है, पहली फिल्म है उनकी SRK सर के साथ। लेकिन ओवरऑल सेकंड हाफ में फिल्म अच्छी है, सेकंड हाफ में बहुत एकदम बांधे रखती है, एज ऑफ द सीट है, आपको उठने नहीं देगी, एकदम थ्रिलर है और अच्छा एक्साइटेड है, आपके मन में लगता है कि हाँ आगे क्या होने वाला है, एक्साइटमेंट आपके दिल में बरकरार रहती है। तो वही मेरा बस एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि फिल्म में थोड़ा स्क्रीन पर टाइट रखते ना तो हो सकता था। डायरेक्शन तो वही राजकुमार ईरानी, उनका डायरेक्शन हमेशा अच्छा रहता है, इस बार भी उनका डायरेक्शन एक नंबर है, हमेशा उनका टॉप नॉच डायरेक्शन रहा है, इसमें भी उन्होंने बता दिया कि उनका डायरेक्शन बहुत बहुत अच्छा है। शाहरुख खान की एंट्री तो देखने लायक थी और ये मूवी बार बार देखनी चाहिए, मैं तो अभी नेक्स्ट शो के लिए भी आने वाली हूँ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स और भी फ्रेंड्स को लेकर। बोमन ईरानी एंड विकी कौशल, सबका काम अच्छा है, सबका इंडिविजुअल कैरेक्टर्स अच्छे हैं, तो बराबर से बहुत अच्छी मूवी चलने वाली है। बढ़िया थी भाई, ब्लॉकबस्टर मूवी थी मेरे हिसाब से, तो बहुत अच्छी थी, बहुत वेल पेस्ड थी, बहुत वेल मेंटेन थी, इमोशंस, ड्रामा, रोमांस, थोड़ा बहुत एक्शन सीन, एवरीथिंग वाज कम्प्लीटली परफेक्ट। बट इतना हाइप नहीं है जवान जितना, पठान से कम है, जवान से भी कम है, इतना हाइप नहीं है, बट वी वेरी स्ट्रांगली होप कि वो उतना कर पाए, वी होप कि लाइक उससे आधा भी है। बहुत बड़ा सोशल मैसेज दे रही है रिगार्डिंग द नेशनलिज्म, जो लोग अपने इंडिया छोड़ के कहीं बाहर काम करने जाते हैं, वहाँ क्या हाल होते हैं उन लोग के, बेरोजगारी में, फिर उनको अपना वतन याद आता है, वो पलट के वापस आता है, दैट इज द सोशल मैसेज दे आर ट्राइंग टू गिव। वन एंड ओनली डंकी, जो साल की सबसे बेहतरीन मूवी है, साल एंड है और डंकी के साथ करना चाहिए, सो मैं डंकी देख के आ रहा हूँ। डंकी बहुत ही धमाल मचाएगी, लेकिन ये धमाल वैसा नहीं है, ये आपको थोड़ा सा इमोशनल करके धमाल मचाएगी, बिकॉज अगर देखा जाए साल भर पूरी एक बोलते ना वॉयलेंस और एक्शन मूवी आई थी जिसमें ये बहुत ज़रूरी था, एक अगर आप देखोगे ना तो एक इमोशनल ब्लेंड एक कॉमेडी के साथ, मैं तो कहूँगा कि 2009-2010 में ऐसी कोई कॉमेडी आई थी जो प्रियदर्शनी वगैरह डायरेक्ट करते थे, इस वक्त जो कॉमेडी आप देखोगे, फर्स्ट हाफ एक कॉमेडी है, सेकंड में इमोशनल है, तो कॉमेडी एंड इमोशनल का एक रोलर कोस्टर है, और ये एक मस्ट वॉच मूवी है डंकी, एक राजकुमार हिरानी का कंसेप्ट है, एक अच्छा है, तो ये जाओ, और एक वर्थ इट मूवी है, एंड डेफिनेटली ये हम, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये तोड़नी चाहिए, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में। बहुत बहुत प्यारी थी, आई मीन अगेन अ टिपिकल राजकुमार हिरानी फिल्म जो आप एक्सपेक्ट करोगे, फर्स्ट हाफ इज एपिक कॉमिक, द विकी कौशल पार्ट कीप्स यू एंगेज इन इमोशंस, बट द सेकंड हाफ इज अ रोलर कोस्टर, मतलब आप सोच रहे हो, आप रो रहे हो, आप हंस भी रहे हो, एंड इट गिव्स यू द होमली फीलिंग, मतलब ये आप फैमिली के साथ जाओ, फ्रेंड्स के साथ जाओ, इट इज द ब्रेक फ्रॉम द मास मसाला फिल्म्स दैट वी हैव। सोशल मैसेज से ज्यादा एक
वैल्यूएबल मैसेज है फॉर आर ओन सेल्स कि आप घर कमाने के लिए निकलते हो बट आप उस घर को सालों तक नहीं देख पाते हो, तो आप ऐसी कमाई का क्या करोगे? सो इट्स बेसिकली जैसे इंटरव्यूज में भी कहा गया था कि इट्स अ लॉन्गेटिविटी, कि आप अपने घर पे जो प्यार है उसको मिस करते हो। सो ये उसकी कहानी की आप वापस आते हो, ये जाने के से ज्यादा वापस आने की कहानी। टंकी एकदम टंका बजा देगी, क्रिसमस आ चुका है, न्यू ईयर आ चुका है और शाहरुख खान रेडी है एक नए मूवी के साथ। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत मजा आएगी, लोगों को देखनी चाहिए। चलवे वतना सॉन्ग था वो बहुत अच्छा लगा, एंड जो क्लाइमेक्स पे एक सॉन्ग बजा है सोनू निगम जी का, बहुत बहुत अच्छा है। आई थिंक सो दास्ताए ओम शांति ओम का जो एक सॉन्ग था ओम शांति ओम में, जो सारी मूवी को डिस्क्राइब किया था वो गाना, और आई थिंक सो उसके बाद शायद ये वाला सॉन्ग है जो डिस्क्राइब करता है उनकी जो पूरी मूवी में उनकी जर्नी थी वो एक सॉन्ग में डिस्क्राइब हो जाती है। डायरेक्शन राजू हिरानी सर, एज ऑलवेज कुछ बोलने की जरूरत नहीं, और एक डेडली कॉम्बो वापस आया, फर्स्ट टाइम मिसारके और हिरानी एक साथ आए हैं, तो डायरेक्शन बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट नया है, लोगों को अच्छा लगेगा ये कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छी अच्छी थी, बहुत मज़ा आया और हम लोग हंसे भी रोए भी, सब था उसमें डंकी में, रोमांस एक्शन भी थोड़ा सा था, कॉमेडी ड्रामा एवरीथिंग, एंड ऐसा क्योंकि एक्टिंग तो बेस्ट, एंड राजू राजकुमार हिरानी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा लगा। वो जो रोमांस दिखाया ना, एवरीवन क्रेव्स फॉर इट, एवरी गर्ल विल डीम फॉर दैट टाइप ऑफ रोमांस, कि हाँ बंदा वेट कर रहा है एंड ही कैन फाइट फॉर यू। सुपर हिट एंड डार्क हॉर्स ऑफ 2023, क्योंकि डार्क हॉर्स की इसलिए बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे ये ग्रो करेगी फिल्म, फैमिली आएंगे देखेंगे एक साथ जाएंगे, ये नहीं कि तीन दिन में बिजनेस किया चला गया, ये फिल्म चलेगा एक तीन महीना चलता है, फैमिली विल कम एंड गो एंड वो लॉन्ग रन के लिए, तो आई विल कॉल इट डार्क हॉर्स ऑफ 2023। मैं अगर एक चीज़ बताऊँ तो कि अगर आप ट्रेलर देखकर यहाँ पर इंटरव्यू देखने आए हैं तो आपको लग रहा हो कि ट्रेलर ठीक है, मतलब इस बार शायद उतनी अच्छी नहीं होगी मूवी, लेकिन मैं आपको बताऊँ उसका उल्टा है, ट्रेलर में बहुत कुछ नहीं डाला गया है, मूवी बहुत ज़बरदस्त है। उनकी मतलब अपनों से दूर रहना, मूवी सुपर हिट ब्लॉकबस्टर, रिसीव द थर्ड 500 करोड़ ऑफ शाहरुख खान, डंकी धमाल मचाएंगी, फर्स्ट हाफ इज सुपर कॉमेडी, सेकंड हाफ इज इमोशनल एंड कॉमेडी मिक्स, शाहरुख खान की एंट्री तो ऑब्वियसली एज ऑलवेज भागते हुए एंट्री दी भाई की। मूवी में सारे कैरेक्टर्स जैसे राजकुमार हिरानी की पिक्चर में होते हैं, सारे कैरेक्टर्स का एक अपना रोल्स होता है, सबको एक इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ये मूवी में भी सेम है, सारे कैरेक्टर्स को एक अलग रोल दिया हुआ है और सबके रोल एक दूसरे के रोल से जुड़े हुए और सारे के मतलब विकी कौशल ऑब्वियसली स्मॉल रोल बट पावरफुल रोल, डायरेक्शन ऑब्वियसली राजकुमार हिरानी 5 स्टार फॉर डायरेक्शन। फर्स्ट हाफ के अंदर नॉर्मली ऐसा है कि तुमको पूरी कॉमेडी देखने मिलेगी, सेकेंड हाफ के अंदर तुम्हारा हार्ट सॉफ्ट हार्ट है तो तुम मूवी देख सकते हो, बाकी उसके अंदर पूरी स्क्रिप्ट के ऊपर मूवी है, जो इमोशनल दिया है मूवी के अंदर जितनी चीज़ें दी है, एंड में भी कॉमेडी है, स्टार्ट में भी कॉमेडी है, खाली लास्ट जो है सेकेंड हाफ जो है वो मूवी देखने के लायक की है, बहुत अच्छी। फर्स्ट हाफ के अंदर सिर्फ हंसना ही है आप, बाकी सेकेंड हाफ के अंदर आपको नॉर्मली एकदम सीरियस मोड के अंदर मूवी देखनी, 100% मचाएगी, 100% वसूल है भाई, सस्पेंस है ना एंड तक। अगर मैं देखा जाए तो आउट ऑफ 5 कम है तो उसके ऊपर मैं दूंगा, लेकिन अगर देखा जाए तो 5 है तो 5 ही दूंगा मैं। 10 में 10, थैंक यू। मैं तो पूरा 10/10 SRK फैन हूँ, तो ऑब्वियसली 10/10। आउट ऑफ 5 मेरे हिसाब से तो 3.5 दूंगा। आउट ऑफ 5 मैं दूंगा 3.5। 4.5 undoubtedly, and it's a must recommended to all the families, friends, lovers, सबके साथ आइए और देखिए। Out of 10 मैं 4 स्टार देना चाहूँगा। 5/5 For me it's a 5/5 शाहरुख के फिल्म को हम स्टार नहीं दे सकते, वो खुद यूनिवर्स है। आउट ऑफ 5 में से मे बी 4.something। 5/5 फुल 5 आउट ऑफ 5/5 Radio City, रग रग में दौड़े सिटी।